उसका तो फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस होने वाला है। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, थोड़ा सा वॉइस का डिस्टर्बेंस आपको आएगा, बट राइट नाउ आई एम एट भोपाल एयरपोर्ट। हम लोग जा रहे हैं मुंबई और दिस इज माय फर्स्ट सोलो ट्रैवल ट्रिप एज अ फर्स्ट सोलो ट्रैवल एज अ मॉम, एंड साथ ही साथ ये इसका तो मतलब फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसको खाना नहीं है। हाँ, तो इसका तो फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस होने वाला है। वी बोथ आर वेरी वेरी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम नर्वस भी थी मैं। तो अभी मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ साथ मेरी मम्मी ड्रॉप करने के लिए हम लोग को आए थे, और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ फीडिंग रूम में। इसको थोड़ा सा फीड वीड करा लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मुंबई पहुँच जाएंगे। एक डेढ़ घंटे का रास्ता है, आराम से पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है इतना। एंड कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? एयर इंडिया वाले काफ़ी हेल्पिंग थे मेरे को, बिना हेल्प मांगे ही। मेरे पास एक कोई बंदा आ गया था, उन्होंने मेरा पूरा सामान कैरी कराया, चेक इन करा दिया मुझे, मतलब एक प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हाँ भैया न्यू बॉर्न के साथ है। चेक इन में भी मेरे को लाइन में नहीं लगना पड़ा बिल्कुल, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। इसको नींद आ रही है, नींद का टाइम है इसका, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा सुलाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली आई एम गोइंग मुंबई आफ्टर 7 months, मतलब 7 महीने के बाद, 7.5 months के बाद मैं मुंबई जा रही हूँ। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो चलिए, मुझे पता है घर वालों को बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि ये आ गई है, हम लोग आते जाते रहते हैं वो ठीक है, बट इसके साथ का थोड़ा होगा, बट नेवर माइंड। मुंबई जाना भी, मुंबई में विक्की है, वो हम लोग को रिसीव करने के लिए आ जाएगा। तो पहले ऐसा था कि बाकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके, सो आई जस्ट रश टू द चेंजिंग रूम अगैन। मेरा फ्लाइट बोर्ड होने का टाइम है और मैम ने पॉटी कर ली थी, वो तो अच्छा मुझे पता चल गया। हालांकि डायपर पहनी हुई है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, बट स्टिल उसको बहुत अनईजी होता है और वो क्रैंकी हो जाती, तो मुझे लगता कि शायद इसके कान दुख रहे इसलिए क्रैंकी हो गए, बट एक्चुअली उसने पॉटी कर लिया एंड शी डजंट लाइक, मतलब पॉटी करी और चेंज करो वैसा वाला सिस्टम उसको मिलने की पसंद नहीं है। तो ये लेटी हुई है, अभी इसका सब कुछ चेंज कर दिया है मैंने, मैं फटाक से दौड़ती हूँ। बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ बहुत ईजिली मैनेज हो गया, बाकी मैं रिव्यू आपको घर पहुँच के दूँगी। ओके गाइस, तो हम लोग बैठ गए हैं फ़्लाइट में और हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली, बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करी और सेफली हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड हो गई थी। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं, हमारी गाड़ी में आ गए हैं, विक्की लेने आ गया है। उस टाइम में मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज ये भी थी साथ में और मेरे को सामान भी कलेक्ट करना था। तो ओवरऑल इफ़ आई से सोलो ट्रैवल विथ बेबी, पूरा ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड रहता है, मेरे को तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस लगा। बाकी और मैं आपको घर जाके बताऊंगी मेरी थोड़ी हालत ठीक करने के बाद, बिकॉज अब भूख भी लग रही है और ये मैडम यहाँ पर इंजॉय कर रही है। आई नो इस तरीके से लिटाना सेफ नहीं होता है, अभी हम थोड़ा फिगर आउट करेंगे कार सीट वगैरह सारी चीज़ें, बट फिलहाल के लिए यही है। घर पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फाइनली आज सुकून से बैठ के। मैं अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में सबको चला दूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मेरा जो फ्लाइट का अकेले आने का एक्सपीरियंस था वो कैसा था विथ 4-month-old बेबी। सो बेसिकली मुझे तो काफ़ी सही लगा, मतलब टचवुड इट वॉज़ वेरी स्मूथ। अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करें, जैसे मेरे साथ, देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि मैं अकेले इसको लेके ट्रैवल कर लूँगी। और आपको पता चल जाता ना 2-2.5-3 महीने में कि आपका बच्चा किस तरीके का है, कैसे आप मैनेज कर लोगे। और भोपाल टू मुंबई 45 मिनट की फ़्लाइट है, बट हमारी ये वाली जो फ़्लाइट थी ना ये 1 hour 15 minutes की थी, जो कि आई थिंक 1 hour 10 minutes में उन्होंने लैंड करा दी थी, मतलब मुंबई पहुंच गई थी। अब मुंबई में क्या होता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आपको जगह नहीं मिलती है समटाइम्स, तो वो वहीं पर ही हमको आधा घंटा लग गया था, अदरवाइज लैंड उन्होंने टाइम पर करवा दिया था। नाउ कमिंग टू माई बेबीज थिंग कि फ़्लाइट में उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो वो फ्लाइट जब टेक ऑफ होना स्टार्ट हुई उससे पहले वो सो गई थी, मतलब जस्ट उसके 5-10 minutes पहले वो सो गई थी एंड आराम से पूरे फ्लाइट में वो सोई है। सिर्फ जब मुझे ऐसा लगता है जब मेरे कान एकदम से बंद हुए थे, बीच में ऐसा टाइम आया था जब लैंडिंग का टाइम होने वाला था, जब मेरे कान एकदम से बंद हुए थे और मुझे पेन हुआ था, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत छोटा बच्चा है, तो एकदम से सोते सोते वो थोड़ा सा छटपटाई और रोने लगी थी, मतलब वो अदरवाइज देखते एकदम से नहीं रोती
रहती है, तो वो रोने लगी थी. मैं समझ गई थी कि इसका कान हल्का सा दुखा है और थोड़ा बहुत उसको डिस्ट्रैक्ट किया मैंने. उसके टॉयज़ वगैरह मैं लेकर के गई थी, उसका एक मंकी है जिसको वो देख करके एकदम हैप्पी हो जाती है, तो वो देख के वो थोड़ी नॉर्मल हुई. तो 5-10 मिनट्स बिकॉज अच्छा एक और चीज़, वहाँ पर मैंने जो फ्लाइट अटेंडेंट्स उन्होंने खुद ही आके मुझे सारा इंस्ट्रक्ट किया था कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बच्चे को फीड नहीं कराना है, जबकि डॉक्टर्स बोलते हैं फीड कराने का, बट फीड एट योर ओन रिस्क, बिकॉज हमारे पास 3-4 ऐसे चोकिंग के केसेस आए हैं. तो भाई मुझे ऐसा लगा कि बच्चा रोता रहे वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू चोकिंग वगैरह कुछ इशू हो, उससे अच्छा है कि रोने दो उसको, वो ज़्यादा बेटर है, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा. तो मैंने उसको कुछ फीड नहीं कराया, ना ही लैंडिंग के टाइम पे फीड कराया, ना ही टेक ऑफ के टाइम पे फीड कराया. इनफैक्ट पूरी फ्लाइट में जब थोड़ा जब वो रोई थी ना, ऊपर ही थे हम लोग जब नॉर्मली चल रहा था फ्लाइट, तब मैंने उसको 5-10 मिनट्स के लिए फीड कराया था ताकि उसका पेट थोड़ा सा भर जाए और वो क्रैंकी ना रहे. और फ्लाइट लेने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले मैंने उसको फीड करवा दिया था. तो बस इतना ही मैंने उसको फीड कराया है, बाकी कुछ और फीड नहीं कराया. कोई भी सामान नहीं था, एक ट्रॉली थी रेड कलर की जो नॉर्मल सबसे स्मॉल साइज की ट्रॉली होती है, और एक मेरे पास ये वाला बैग था, दिस बैग. ये मेरे पास एक बैग था जो मैंने हैंग करके रखा था और इसमें मेरा सारा सामान था. ये है एक्चुअली फीडिंग क्लोथ है, मैं इसका लिंक डाल दूंगी, बहुत अच्छा है ये. आप इसको, एक तो कॉटन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से और इसको आप इधर पर एडजस्ट कर लो और ये पूरा कवर हो जाता है. एंड आप बेबी को रख करके तो बच्चे को सफोकेटेड भी फील नहीं होता है, एंड काफ़ी अच्छा है ये. वॉश वगैरह करके मैंने रख दिया है वापस से. तो इसको मैं लेकर के गई थी और एक शॉल भी मैंने ली हुई थी कि अगर इनकेस ठंड ज़्यादा लगे तो, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर ठंड नहीं रहेगी. बाय द वे जो डायपर बैग है ये मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरे सोसाइट जहाँ भोपाल में रहते हैं ना, वहाँ पे साइड में भी भाभी रहती है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था. तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें ना गिफ्ट में ही आई और सब बहुत काम की चीज़ें आई, तो मैंने खरीदे नहीं है ये सारी चीज़ें. सो डायपर बैग ये वाला ही मैंने यूज़ कर रही हूँ तब से ही, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें. हमने हमारे जो पीडियाट्रिशियन है उनसे कंसल्ट किया था कि क्या फ्लाइट में जाने से पहले उसको हम कानों में जो ईयर ड्रॉप्स होता है या नोज़ में कुछ डालना है या ऐसा कुछ करना है, तो उन्होंने बताया कोई ज़रूरत नहीं है, एक घंटे की फ्लाइट है तो हम रेकमेंड नहीं करेंगे. फिर उसके बाद अच्छा दूसरी चीज़, हम लोगों ने एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करी थी, ऐसा लग रहा था कि हम दो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे. तो आपको पता होगा पूरी प्रेगनेंसी में मैंने आई थिंक बताया कि नहीं बताया, किसी व्लॉग में बताया कि मैं हनुमान चालीसा कैरी करती थी. तो दिस इज द हनुमान चालीसा, बहुत छोटू सी है ये, बहुत ही छोटी सी, आप देखिए मतलब ये पॉकेट में कहीं पे भी, मोबाइल के पीछे कहीं पे भी आप फटाक से रख के इसको पूरी, इसमें हनुमान चालीसा लिखी हुई है, साथ ही साथ हनुमान जी की आरती लिखी हुई है और भी 2-3 मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं. तो बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत छोटी सी है. तो ये मैं पूरा मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जब से मैंने कंसीव किया है, ये हर जगह कश्मीर से लेके वैष्णो देवी, यहाँ वहाँ हर जगह, इवन मेरे स्कैन्स हुए हैं, यहाँ तक कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ है, ये हनुमान चालीसा मेरे हाथ में थी. तो ये तो मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मैं विक्की को बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था पूरे एक्सपीरियंस में कि हम दो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, कोई तीसरा भी हमारे साथ है. अनआस्क हेल्प मुझे मिली है. आप पूछे मेरे पास ऐसी, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे एंटर करी, एक बंदा आ गया एयर इंडिया का मेरे पास असिस्ट करने के लिए, उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास निकाल दिया, इवन मेरी ट्रॉली तक कैरी करी है. आप सोचो, जब ना ट्रॉली भी कैरी नहीं करना पड़ा, मेरी ट्रॉली कैरी कर दी गई, मेरा चेक इन करा दिया गया इजिली, और मेरा जो सीट था ना वो भी मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा था, तो विदाउट एनी पे मुझे जो फ्रंट वाला सीट होता है वो दे दिया गया, जिसमें लेग स्पेस बहुत अच्छा खासा मिलता है. उसके बाद वहाँ पर मैं इसको मस्त अपने बैग में हैंग कर लिया था और वहाँ पे लेकर के मैं उसको घूम रही थी, तो अच्छे से घूमी फिरी है. फिर थोड़ी क्रैंकी होने लगी क्योंकि उसका भूख का और नींद का एक्चुअली में टाइम हो गया था. तो जब बोर्डिंग स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे जो स्टाफ था उन्होंने मुझे बोल दिया था, आप जाकर के फीडिंग रूम था बहुत अच्छा सा, वहाँ पर आप इसको फीड करा दीजिए. आप जब भी आएंगे, मतलब अभी टाइम है, आधा घंटा है, आप आधे घंटे में जब भी आएंगे हम आपको साइड से प्रायोरिटी एंट्री दे देंगे. तो बस मैंने उसको 15-20 मिनट फीड कराया, वो सो गई आराम से, और फिर मुझे प्रायोरिटी एंट्री साइड से मिल गई थी बिना रश के, और वहाँ पर भी अटेंडेंट आ गई थी हेल्प करने के लिए. अच्छा, अब जिस सीट पर मैं बैठी थी उस सीट के बगल में इतना स्वीट सा बंदा बैठा हुआ था, वो मतलब इतना स्वीट था कि वो मेरे बैग से मुझे सामान निकाल निकाल के भी दे रहा था, मैम आपको ये चाहिए, मैम आपको वो चाहिए, तो कुछ भी चाहिए रह रहा था तो वो मुझे निकाल के दे रहा था, ऊपर रख दे रहा था. मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने अकेले ट्रैवल किया है, देयर वॉज सम हेल्प अराउंड मी, और वो भी बिना पूछे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि प्लीज आप ये कर दोगे क्या. तो मैं विक्की को बोल रही थी कि हम दो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, हमारे साथ ये ट्रैवल कर रहे थे, तो आराम से सब कुछ हो गया. तो अगर आप न्यू मदर है एंड यू वांट टू ट्रैवल अलोन, तो बिल्कुल बिना डरे. पहली चीज़ तो सबसे पहला आपको जो फंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप संभाल लोगे, कुछ टेंशन नहीं होगा, और तो आप कर जाओगे. और अगर आप डरते हो थोड़ा सा,
देखो मैं बता रही हूँ, हमारे पूरे घर में सब लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं डर था, अकेले कैसे जाएगी, ये कैसे करेगी, टॉयलेट कैसे जाएगी, वॉशरूम कैसे यूज़ करेगी। मैं बढ़िया उसको अपना टांगी हुई थी और ये बैग मैंने पीछे टांगा हुआ था और उसी के साथ मैंने वॉशरूम भी यूज़ किया है। आई नो काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा, आपने वॉशरूम कैसे यूज़ किया होगा, ये कैसे यूज़ किया होगा। तो बोर्ड करने से पहले मैंने वॉशरूम भी एक बार यूज़ कर चुकी थी, उसको अपने हैंग करी हुई थी, मतलब इजिली हो गया। तो हमारे घर में जिसको भी बता रहे थे ना, वो सब ये अकेले कैसे ट्रैवल करेगी, बहुत रिस्की है, ये है वो, नहीं संभाल पाएगी ये वो। सिर्फ दो लोग पूरे घर में जिनको ट्रस्ट था, दे वर स्टैंड बाय मी, एक तो विक्की और दूसरा मेरी मम्मी। मेरी मम्मी को इनिशियली हल्का सा एक ऐसा लगा था कि कैसे करेगी, बट उनने जब मेरा कॉन्फिडेंस देखा तो उनको पता था कि ये कर लेगी, और विक्की तो था ही कॉन्फिडेंट कि ये संभाल लेगी बहुत आराम से। उसके बाद हमको यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए, मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया। वो इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं घर देख करके थोड़ी पागल हो गई थी, पागल इन द सेंस मीन्स मैंने ये एक्सपेक्ट किया था विक्की आ गया था यहाँ पे 5 दिन पहले से घर की क्लीनिंग कराने के लिए। तो देखो विक्की का क्लीनिंग जोन कैसा है कि सोने के लिए साफ जगह होनी चाहिए, बेड है ना, खाने के लिए खाना होना चाहिए प्लेट, और बैठने के लिए सोफा साफ होना चाहिए बस, और वॉशरूम थोड़ी बहुत साफ होनी चाहिए, ये उसका जोन है 5। तो और मैं उसको डेली ना लिस्ट देती थी, आज ये करा लेना, आज इसकी लैम्प की डस्टिंग कर देना, आज शेल्फ की डस्टिंग कर देना, पर्दे धो देना, ये कर देना, मैं उसको ऐसे लिस्ट देती थी और ये सब में मुझे बोलता था ओके 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 ओके, बालकनी साफ करा देना। मेरा जो क्लीनिंग देखने का नज़रिया है, जैसे कि जिस तरह से मैं रहती थी, मैंने तो 2nd मंथ प्रेगनेंसी में भी मेरे यहाँ मेड नहीं आती थी तो मैंने बैठ के पोछा लगाया है पूरे घर में, तो मैं इस लेवल की क्लीनिंग फ्रीक हूँ। तो अब जब मैं आई तो मैं देख रही हूँ ऊपर जाले लगे हुए, नीचे सब साफ़ है पर ऊपर जाले लगे। तो मैंने विक्की को बोला आपने जाले क्यों नहीं साफ कराए, तो बोलते कहाँ जाले, मुझे तो नहीं दिख रहे कहाँ जाले मुझे दिख रहे। तो मैं ना फिर हालांकि मैंने अपने आप को काम डाउन किया, मैं भी सोची कि यार ठीक है एटलीस्ट चलो बिल्कुल ही नहीं मिलता उससे, काफ़ी हद तक तो मिल गया है, तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। फिर उसने मुझे बोला कि काम करो खुद से अपने सामने अर्बन क्लैफ वाले को, या फिर जो आंटी आती है क्लीनिंग वाली हमारे यहाँ मेड हेल्प आती है उसको अपने सामने साफ कराओ तो यू विल बी सेटिस्फाइड एज वेल। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन फिर वो, एक दिन हमने बैल्कनी क्लीनिंग वाले को बुलवाया, बहुत दाग लगे हुए थे, बैल्कनी की हालत बहुत ख़राब थी, वो थोड़ा सॉर्ट कराया। फिर उसके बाद थोड़ा मेरे को एक दिन एडजस्ट होने में भी लगा, रूटीन में आने में, मतलब कबर्ड में थैंकफुली जब मैं प्रेग्नेंट थी 6 मंथ अभी मैं खाली वाली करके चली गई थी, विक्की ने भी उसकी कबर्ड में काफ़ी सारी स्पेस निकाल दी। तो अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ें कि कैसे क्या करें। अच्छा अब जिस दिन मैं आई उसके नेक्स्ट डे पता है क्या हुआ, मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी मैं यूज़ करती थी फेस पे, तो क्या हुआ कि मैंने ना रात में फेस वॉश किया और फेस वॉश किया और एक क्रीम लगाया जो यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह सोकर के उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, मेरा पूरा फेस जो है ना रेड हो गया है, और मुझे पास से दिखाऊंगी मैं आपको, ये आपको दिख रहे हैं तो ये काफ़ी सबसाइड हो चुके हैं, मेरे पूरे फेस पे पिंपल्स हो गए हैं, यहाँ पूरे फेस पे मुझे पिंपल्स हो गए हैं। तो मैं 2 मिनट देख करके एकदम शॉक हो गई, मैंने बोला भाई ऐसा क्या खा लिया मैंने, मतलब आपका जनरली क्या है, पेट खराब है या कुछ अंदर दिक्कत है तो आपको पिंपल होगा, हार्मोनल चेंज होगा, तो मुझे लगा एक रात में ऐसा क्या हार्मोन चेंज हो गया मेरा, ऐसा क्या मैंने खा लिया, खा मैं घर का ही रही थी कि मेरा पूरा फेस पे पिंपल्स ही पिंपल्स हो गए। और फिर मैंने सुबह फिर से अगेन वो फेस वॉश किया, जैसे ही मैंने वो फेस वॉश किया मुझे इतना तेज बर्न हुआ फेस पे, एंड मैंने उसका डेट पर एक्सपायरी डेट देखा तो आई फिगर इट आउट कि वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर्ड है, दोनों फेस वॉश मेरे एक्सपायर्ड है। जो मैं क्रीम लगा रही थी अपने फेस पे वो भी एक्सपायर्ड थी, तो कि मेरा जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मैंने लगाया है वो मेरे फेस पे बहुत गंदा एलर्जिक रिएक्शन कर गया है। शाम तक आते आते बम्स और ज़्यादा बढ़ गए थे, उनमें पस भरने लग गया था। फिर उसके बाद मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को यहाँ पे एक पास की कोई नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट देखी, तो मेरे सोसाइटी में एक बैठती है, मुझे पता भी नहीं है कि वो कितना एक्सपीरियंसड है क्या है, मैंने बोला एक बार मैं दिखा देती हूँ उसको। तो मैंने ना क्योंकि पास से दिखाना ज़रूरी है उनको, जैसे ही दिखाया ये सारी चीज़ें, खाने के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, लगाने के लिए दिया, मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, 2 क्रीम्स दिए लगाने के लिए। तो अडेप्लिन जेल तो मुझे पता है कि ये एक्ने हो जाते हैं, सिस्टिक एक्ने होते हैं उसके लिए होता है क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी पहले, और एक ये नेडी पैक जेल दिया हुआ है, फिर एक ये लोशन दिया हुआ है अल्ट्रीडर्म, और एक ये हाइपो एलर्जिक कामिंग रिलीफ लोशन दिया हुआ है। तो अभी सिचुएशन काफ़ी बेटर है, दिख रहा है आपको रेड रेड तो दिख ही रहा होगा अभी भी, ओके रेड रेड दिख रहा है, ये देखिए ये देखिए यहाँ पूरा मेरा चीक भर गया था। अभी मेरे पास एलोवेरा वगैरह भी नहीं है कि मैं वो लगा लूँ, तो मतलब ये एक नई मुसीबत आ गई। तो भाई उस दिन तो एक दिन तो मैं उसी में ही लगी रही। फिर कल मेरा बर्थडे था,
तो बर्थडे पे भी विक्की मुझसे पूछता है बर्थडे पे क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। बोला मुझे बर्थडे पे साफ घर, अपनी बैल्कनी में थोड़े पौधे और फ्लावर्स चाहिए, दैट्स इट। ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है इस बार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बोलता है कि चलो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, बहुत पीछे। अच्छा, वो वहां से आप ये वाली क्लिपिंग देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लिपिंग लगा देती हूँ घर की, जो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, फ्लावर्स वगैरह मैं लेकर के आई। अब यहाँ पर शाम को फिर मैं घूम करके आई, बिल्कुल मजा नहीं। मतलब विक्की इस बार ऐसा था कि मैं फोर्स करा था लिटरली कि चलो चलो कहीं तो चलना ही पड़ेगा, और फिर मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया जो खरीदने के लिए हम गए थे। मुझे ना बस शांति वाला चाहिए था कि मुझे शांति से घर पे रहना है, प्लांट्स देखने हैं, फ्लावर्स देखना है, थोड़ी लाइट्स वगैरह लगानी है, दैट्स इट। मतलब ऐसे टाइप का मुझे बर्थडे चाहिए था। तो वो पीछे पड़ा, तो चलो मैं चली तो गई थी, पर हम जल्दी आ गए थे, 5:30 बजे हम जैसे ही आए हैं, मुझे सरप्राइज विजिट करने के लिए शालिनी दी आ गए थे केक वगैरह लेकर के। तो वो आए तो थोड़ा अच्छा लगा, बर्थडे जैसी वाई वाई। निशा एक्चुअली यहाँ पर है नहीं, नहीं तो वो भी जरूर आती। फ्रेंड है अंकिता, उसने मुझे केक भेजा, इतना यमी केक भेजा है। शालिनी दीदी आए तो बर्थडे मेरा था, मेरे लिए तो केक आया, बट उसके लिए इतने सारे कपड़े आए, बैग भर के कपड़े आए मैडम के। दीदी यही हंस रहे थे, दीदी यही हंस रहे थे, कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए आए, हम उससे मिलने के लिए आए, कुहू से। और वो इतना एंजॉय कर रही थी, उनको जैसे पता नहीं कितने टाइम से उनको जानती है। जब वो लोग चले गए तो एक और जो केक था अंकिता वाला, वो हमने कट किया, थोड़े पिक्चर्स वगैरह निकाले, वो पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी। सो ऐसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। अच्छा, धीमे धीमे जैसे ये दिन में सोती है, 1.5-2 घंटा सोती है अच्छा खासा। अभी तो विक्की आज ऑफिस चला गया, आज इतने टाइम बाद, 4 महीने बाद वो ऑफिस गया। और अब मतलब इसका मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है जो मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी धीरे धीरे करके, अभी तो बहुत सारी बातें कर ली है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ आपको बताओ, मैडम लेटी हुई है, ये देखिए। हेलो हेलो जी, ये मैडम ने शार वगैरह कुछ नहीं लिया है, मालिश वाली आंटी आज बात करने के लिए आने वाली है, तो मैं उसको नहला देती हूँ, मालिश भी अच्छे से कर देती हूँ। तो मेरे को ये था, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने अपना जो पूरा हॉल है वो थोड़ा सॉर्टेड किया है। लुक एट दिस, काफी क्लीन, मतलब नाउ दिस इज लाइक मेरे तरीके का रहने का हो गया है। बस मुझे इसके लिए प्लांट लेना है, इसके लिए एक प्लांट लेना है, और मुझे मनी प्लांट्स लेने हैं यहाँ के लिए। यहाँ मैंने दूसरे दूसरे प्लांट लगा के देखे, बट बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मतलब जो लोग यहाँ का मनी प्लांट देता है ना, मनी प्लांट ही इस जगह के लिए बने हुए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, स्नेक प्लांट वगैरह। तो वो और बैल्कनी अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, मतलब वन थिंग एट अ टाइम ऐसे कर रही हूँ। तो बहुत धीरे धीरे, जैसे आज ये शेल्फ कर दिया, आज यहाँ कुछ रख दिया, ऐसे धीरे धीरे मैं सिस्टमेटिक कर रही हूँ चीज़ों को। किचन, आज मुझे किचन करना है, तो ये किचन है, अभी तो देखिए बिल्कुल मेस्ड अप पड़ा हुआ है, बट ठीक है, ये तो मतलब पूरा ही भरा पड़ा है। तो अभी मुझे सब चीज़ें सॉर्ट करनी है, मैंने आज धुलवाए हैं, स्नैक्स वगैरह रखने के लिए कुछ स्नैक्स हम लोग लेकर के आए हैं। फिर ये जो ऊपर वाली शेल्फ है ना, ये तो पूरी खाली करनी है, ये वाला मतलब सब अभी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, बाकी है। और बेडरूम है, तो बेडरूम इज क्वाइट फंक्शनल, ये देखिए बेडरूम में मैंने आज कर्टन चेंज करे हैं, और वहाँ पर जो फोटोज लगे हुए थे ना, वो सारे फोटोज निकाल के मैंने इधर पे रख दिए हैं। थोड़ा सा मुझे लुक चेंज करना है बेडरूम का, मैं आराम आराम से करूंगी। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शार वगैरह ले लिया है, मैंने अपना लंच भी कर लिया है, तब तक ये आराम से सोई हुई थी मैडम। और अभी आंटी आई थी मालिश वाली, तो उनसे बात करी है, तो आज तो मैं ही इसकी मालिश और इसको नहला दूंगी, कल भी मैंने इसको नहलाया था। और चीज़ जो मैंने ऑर्डर करी थी, हाँ आने से पहले ही आ गई थी, वो ये है, इसके जितने भी ड्रेसेस हैं, जो इसकी वंजीज हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उनमें ना इस तरीके के टच बटन रहते हैं, चल गई है, तो अब क्या होता है, ऊपर वाला लग नहीं पाता है। तो ये जब आपके पास रहेगी, तो आप खुद ही घर पे, आपको बार बार टेलर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे दबा देना है तेज़ी से, लाइक दिस गई है। बट इसको आप अच्छे से चेक करके देखिए कि निकले ना, तो ये इसका बढ़िया तरीके से लग गया है।
और ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, काफी सही लगा मुझे तो ये। ओ भूम, ओ भूम, ओ भूम। मजे आ रहे। ओके गाइस, तो आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो हियर ओनली। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी आपसे, देखते हैं इसको। बस मेरे को अभी ना वीडियोस तो मैं बना लूंगी फटाफट, कोई इतना इशू नहीं है, बट एडिटिंग करने का पेन है क्योंकि मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया है, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि जब टाइम मिलता है ना तब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो देखती हूँ एडिटिंग का कैसा सीन बैठता है। जो मेरे स्किन पे एलर्जी हुआ था काफ़ी सबसाइड हो गया है, मतलब काफ़ी कुछ सबसाइड हो गया है, रेडनेस है अभी भी, बट हाँ जो एक्नेज है वो सबसाइड होना स्टार्ट हो गए हैं। थैंकफुली उन्होंने मुझे 7 डेज का टाइम दिया था और अभी मेडिकेशन करे हुए, आज मेरा 3rd डे ही है, तो 3rd डे के हिसाब से इट्स क्वाइट गुड। तो चलिए मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।